सो वेलकम बैक टू माई चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको डेली बेसिस पर मिलती है। और आज का जो स्टॉक है वो है हमारा GMDC। और आज की परफॉर्मेंस की अगर आप बात करेंगे तो आप देखेंगे ये स्टॉक में 3.5% के समथिंग की तेजी, और स्टॉक 400 प्लस पहुंच चुका है और स्टॉक अभी 1000 प्लस जाना है, ये बात तय है। पूरे 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 सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन आप एक बात क्लियर समझ लो भाई, 1000 रुपये जाने का मतलब ये नहीं कि एक दो महीने में चला जाएगा। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा लंबे समय का टाइम देते हैं तो आप सोच भी नहीं सकते आपको यहाँ पर कितना बड़ा प्रॉफिट होने वाला है। मर्जी आपकी, पैसा आपका, डिसीजन आपका, मैं सिर्फ आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको नहीं पता, देखो मैं आपको बता दूँ, कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो पर्सनली मैं खुद अपने पोर्टफोलियो में रखता हूँ। एक स्टॉक जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बताऊँ, अगर आप हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके, तो यहाँ पर कुछ स्टॉक्स हर महीने में देता हूँ, तो कम्युनिटी में आप चाहें तो पोस्ट भी देख सकते हैं, काफ़ी सारे प्रूफ देखने को मिल जाएंगे। तो इनमें से एक स्टॉक है जिसका मैंने अभी 13 दिन पहले यहाँ पर पोस्ट की है, उसमें अगर आप देखेंगे 13 दिन पहले 38% के प्रॉफिट में थे हम, और अभी उस स्टॉक में लगभग 60-65% के प्रॉफिट में हम चल रहे हैं। सिर्फ 2-2.5 महीने के अंदर हमने उस स्टॉक में 60-65% का प्रॉफिट बनाया है। कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ GMDC भी ऐसा ही स्टॉक है, लेकिन कुछ स्टॉक्स में बहुत बड़े बड़े मौके मिलते हैं, GMDC शायद उनमें हो सकता है। अगर आप चाहें, आप भी इस तरह के स्टॉक्स चाहते हैं तो उसके लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी इस स्टॉक में हमने अभी प्रॉफिट बुकिंग नहीं की है क्योंकि इसमें अभी टारगेट मिलना बाकी है, तो आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ स्टॉक्स में ऑलरेडी दे रखे हैं और कुछ फ्यूचर में और भी ऐड होंगे। तो नहीं करना चाहते ज्वाइन, कोई बात नहीं, आप वीडियो सेक्शन में जाएंगे तो वीडियो में डेली आपको एक दो ऐसे स्टॉक्स की वीडियो मिली जाती है जहां पर आपको शॉर्ट टर्म के लिए मौका बन रहा है, जैसे यही GMDC, यहां पर भी मौका बन रहा है, आप यहां पर भी बाय कर सकते हैं। तो अब मैं इसका टेक्निकल चार्ट तो आपको दिखाऊंगा ही, लेकिन उससे पहले कुछ पॉइंट आपके साथ शेयर करूंगा। देखो, लेटेस्ट न्यूज़ नहीं लेकिन कुछ पुरानी न्यूज़ आपके साथ शेयर करूंगा। ऐसा नहीं है कि ये अभी की है। आप देखिएगा यहाँ पर GMDC दो तीन साल में कितना भागेगा, यहाँ पर एक्सपर्ट्स ने क्या बोला, और ये अक्टूबर 2023 की न्यूज़ है। 1050 रिटर्न, और इसको शेयरों में विदेशी निवेशकों ने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया है। अक्टूबर की बात है, अक्टूबर नवंबर और तीसरा दिसंबर चल रहा है, तो अक्टूबर से इसमें जो FII हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा दिलचस्पी दिखाई थी इन्वेस्टमेंट की। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आपको न्यूज़ देखने को मिलेगी, यहाँ पर गुजरात में शेयर अचानक तेजी, यहां पर सरकारी कंपनी को कुछ ऑर्डर वगैरह मिला था। मतलब आप देखेंगे पिछले कुछ महीनों से आपको जबरदस्त, देखो अगस्त में भी आई थी माइनिंग कंपनी को गुजरात, उसकी तरफ से जो है ऑर्डर मिला था, नवंबर में आप देख लो, तो कुछ ना कुछ न्यूज देखने को मिल रही है, कभी ऑर्डर मिल रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो इस तरह की न्यूज आपको देखने को मिल रही है। अब देखो कुछ पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उसके बाद आप चाहे तो उसको बाय करें या होल्ड करें। देखो मैंने इसकी डिटेल वीडियो नहीं बनाई, अगर आप चाहते हैं इसकी डिटेल फंडामेंटल बिजनेस मॉडल फ्यूचर मॉडल पर वीडियो बनाई जाए तो उसके आप मुझे कमेंट कर देना। मार्केट कैप देखो सबसे पहले 13000 करोड़ का है। डिविडेंड यील्ड भाई इसका बहुत कमाल का है, मतलब डिविडेंड कंपनी बहुत जबरदस्त देती है। तो ये देखिए डिविडेंड यील्ड होता क्या है, इसके बारे में अगर आपको जानना है प्लेलिस्ट में जाइएगा, स्टॉक मार्केट बेसिक वाली प्लेलिस्ट है, इसमें मैं डिविडेंड की एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, जाकर आप देख सकते हैं। आपको फ्यूचर में और भी यहाँ पर वीडियोस देखने को मिलेंगी, और अगर आपको स्टॉक की डिटेल फंडामेंटल फ्यूचर मॉडल बिजनेस मॉडल वाली वीडियो चाहिए तो कमेंट करना, वो स्टॉक फंडामेंटल वाली प्लेलिस्ट में मैं ऐड कर दूंगा। अभी फिलहाल हम यहाँ पर डिटेल बिजनेस मॉडल की बात नहीं करें, बट कुछ पॉइंट आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। एक तो देखो फेस वैल्यूज की दो है, और माइनिंग से रिलेटेड कंपनी है, चीज़ मैं आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ, जो मुझे याद नहीं कि मैंने लास्ट टाइम आपके साथ शेयर की थी या नहीं की थी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप इसके प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे। तो भाई देख लो, कॉन्स एक है इसका, इसको अदर इनकम से जो है अर्निंग होती है ज्यादा, तो वो एक अलग चीज है, लेकिन प्रोज अगर आप देखोगे, ऑलमोस्ट डेट फ्री, गुड प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट 5 ईयर्स, ये 28.5% का, डेटर डेज इन्होंने इंप्रूव किए हैं 29 डेज से 19.7 डेज, और इसके साथ साथ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड रिड्यूस इन्होंने 197 डेज टू यहाँ पर 149 डेज। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या होती है आपको फंडामेंटल वाली वीडियो में मिल जाएगा सब कुछ जानने के लिए, लेकिन प्रोज एंड कॉन्स में आप यहीं पर डिफरेंस देख सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है। देखो उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर बात करें तो एक अच्छी गिरावट है, लेकिन प्रॉफिट मेकिंग है अभी भी। और ईयर ऑन ईयर पर देखोगे तो भी, लास्ट सेप्टेम्बर 2022 की बात करें अगर हम यहाँ पर, तो सेप्टेम्बर 2022 में 151 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो घटकर 75 करोड़ रह गया है। वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर भी 219 करोड़ से घटकर 75 रह गया, बट कोई बात नहीं, प्रॉफिट मेकिंग उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एक स्टॉक प्राइस CAGR। अब ये स्टॉक प्राइस CAGR क्या है, अगर आपको इसके बारे में जानना है तो इसके लिए भी मैंने एक प्लेलिस्ट ऐड कर रखी है हाई CAGR स्टॉक्स, इसमें फ्यूचर में और भी वीडियोस मैं ऐड करने वाला हूं, काफी टाइम से इस प्लेलिस्ट में मैंने वीडियोस ऐड नहीं किए हैं।
CAGR कैलकुलेट कैसे करते हैं, क्या होता है CAGR, सब कुछ मैंने इस प्लेलिस्ट में कोई भी वीडियो उठा के देख लेना आपको मिल जाएगी। तो स्टॉक का CAGR पहली बात तो फिक्स होता नहीं है, लेकिन एक साल का 163%, तीन साल का 98% का मल्टी बैगर CAGR, और पिछले पांच साल का 36% और 10 साल का, चलो 10 साल का थोड़ा आपको कम नजर आएगा बट फिर भी अच्छा मेंटेन किया हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज भाई, बैलेंस शीट ऑलमोस्ट डेट फ्री, बोरोविंग्स देख लो कितनी है, सिर्फ 1 करोड़ की। मार्केट कैप देखो कंपनी का कितना, 13,184 करोड़, और कंपनी के ऊपर डेट कितना है, सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ का। इसके ऊपर इतना ही नहीं, आप रिजर्व देखेंगे तो 5,756 करोड़ के रिजर्व्स जो कंटिन्यू बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 2012 में सिर्फ 1982 करोड़ के रिजर्व्स थे जो भी बढ़कर 5,756 करोड़ के हुए हैं। और इतना ही नहीं भाई, फिक्स एसेट भी देख लो 1,431 करोड़ के, जो 2012 में 1,758 करोड़ के थे। मतलब इन्होंने फिक्स एसेट भी जबरदस्त तरीके से इंप्रूवमेंट किया है, बढ़े हैं। वहीं रिजर्व्स आप देखोगे, रिजर्व्स भी जबरदस्त तरीके से बढ़ा है और डेट को नहीं बढ़ने दिया है। लेकिन बीच में 2015 में 680 करोड़ के समथिंग का डेट था, लेकिन बाद में देख लो कैसे मेंटेन किया हुआ है, 1 करोड़ ऑलमोस्ट डेट फ्री हो गई। हो सकता है अगले क्वार्टर में आपको यहां पर जीरो नजर आए, है ना। तो बैलेंस शीट इनकी जो है भाई वो बहुत कमाल की मेंटेन है। अब आपको इस बैलेंस शीट के बेस पर बाय करना है एक अलग बात है, लेकिन इसके थोड़े से बिजनेस मॉडल, कंपनी का काम करने का तरीका, कंपनी किस तरीके से काम करती है, वो सब चीजें भी देखना जरूरी है। इसके अलावा कैश फ्लो की बात करें तो 8 करोड़ का कैश फ्लो इनके पास पॉजिटिव, और शेयर होल्डिंग पैटर्न जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पर आप देखेंगे तो भाई यहां पर 74% प्रमोटर्स की होल्डिंग है। अब सबसे जो कंफ्यूजन वाला पैटर्न है ना, वो आपको यहां पर नजर आएगा। इन्होंने दिसंबर 2020 में जो 74% की प्रमोटर्स की होल्डिंग थी वो स्टेबल रखी है, कुछ भी चेंजिंग नहीं हुए प्रमोटर्स में। बट वहीं पर अगर आप एफआई देखो तो 1.89% है। अगर आप कंपेयर करोगे दिसंबर 2020 से तो 1.52 थे, जिसमें बढ़कर 1.89 हो गए हैं। लेकिन पिछले कुछ क्वार्टर में अगर आप चेक करोगे तो जो एफआई है उन्होंने स्टेक को यहां पर प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट किए, कब, दिसंबर 2022 से। देख लो आपके सामने भाई, सितंबर 2022 में इनकी पास जो होल्डिंग थी वो 3.67 थी, इन्होंने दिसंबर में बढ़ाकर 4.07 कर ली। दिसंबर 2022 की बात हो रही है, अब दिसंबर 2023 का भी डेटा आया नहीं है, जब आएगा जब देखेंगे। लेकिन उसके बाद मार्च 2023 में इन्होंने घटाकर 3.82 कर ली, उसके बाद जून क्वार्टर में फिर घटाकर 3.08 कर ली, उसके बाद फिर दोबारा घटाकर अब सितंबर के लेटेस्ट क्वार्टर में 1.89% कर लिया। हालांकि इसमें किसी बड़े प्लेयर ने एंट्री ली थी बीच में, बट लेकिन अगर आप देखोगे कंटिन्यू पिछले कुछ टाइम से एफआईआई जो है यहां पर स्टेक को सेल कर रहे हैं। जो कंडीशन एफआईआई की है सेम वही कंडीशन डीआई की है। अगर आप यहां से कंपेयर करोगे, डीआई तो मार्च 2022 से प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, 2022 में इनके पास 2.66% का स्टेक था, उससे पहले दिसंबर 2021 में जो इनके पास था 2.50% का स्टेक था, बाद में इन्होंने बढ़ाकर 2.66% किया। उसके बाद से कंटिन्यू हर क्वार्टर में आप देखोगे धीरे 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 थोड़ा थोड़ा घटाकर अभी डीआई के पास सिर्फ 1% का स्टेक है, जो पहले दिसंबर 2020 में 2.5% था, अभी सिर्फ 1% रह गया है। बाकी गवर्नमेंट के पास अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है और पब्लिक के पास है 23.09% का स्टेक। देखो सबसे पहली चीज आपको एक बात क्लियर समझनी चाहिए, FII DII घटते बढ़ते रहेंगे, हो सकता है नेक्स्ट क्वार्टर में FII DII का स्टेक बढ़े, हो सकता है इस क्वार्टर में ना बढ़ के उससे अगले वाले क्वार्टर में बढ़े, लेकिन प्रमोटर्स की होल्डिंग स्टेबल। अब जरा देखते हैं क्या इनमें कोई स्टॉक प्लेज है, नाम पढ़ लीजिएगा GMDC, ये गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। अब यहां पर हम सीधा इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर चलेंगे, बाद में देखेंगे एनालिस्ट का व्यू वगैरह, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा 74% स्टेक है प्रमोटर्स का, जिसमें से एक भी स्टॉक प्लेज नहीं है, प्लस पॉइंट है। अगर कंपनी में कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम होती सबसे पहले ना प्रमोटर्स ही भागते हैं, और अगर प्रमोटर्स किसी कंपनी में स्टेक को बढ़ा रहे हैं तो वहां पर कुछ ना कुछ ऐसा लगता है शायद अंदर ही अंदर कुछ तो चल रहा है कंपनी के अंदर। और अगर वहीं पर प्रमोटर्स के अपोजिट किसी स्टॉक को स्टेक को सेल करते रहते हैं तो वहां पर भी कुछ ना कुछ होता है कि यार कंपनी के अंदर कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रही है। शायद जरूरी नहीं कि गड़बड़ ही हो, लेकिन चांसेस बन जाते हैं। तो यहां पर तो बिल्कुल स्टेबल है और कोई भी स्टॉक प्लेज नहीं, तो आप समझ लो
बहुत अच्छा साइन है। हाँ, एक दो क्वार्टर आप चाहें तो रुक सकते हैं FIIDI का वेट करने के लिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है। देखो यार, FIIDI का अभी भी स्टेक तो है ना इसमें 1.89%, आप समझ लो इस चीज़ को। अब ये तो हो गया शेयर होल्डिंग पैटर्न, अब ज़रा एक बार टेक्निकल चार्ट, और एक बार मैं आपको पहले इसका एक्सपर्ट्स का ओपिनियन और पब्लिक का ओपिनियन शेयर करूंगा। उससे पहले अगर अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो इंडिया के टॉप ब्रोकर हैं ज़ीरोधा और अपस्टॉक्स, ट्रस्टेबल ब्रोकर से। पर्सनली मैं खुद यही ब्रोकर यूज़ करता हूँ, आप चाहें तो इनमें अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जाइएगा लिंक पर क्लिक कीजिएगा और अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिएगा। चलिए पब्लिक का ओपिनियन और एक्सपर्ट्स का ओपिनियन भी यहां पर देखते हैं। सबसे पहले पब्लिक के ओपिनियन की बात करते हैं तो यहां पर 100% बाइंग है पब्लिक का ओपिनियन, जो कि मुझे लगता है कि शायद अगर हम टेक्निकल के चार्ट पर देखेंगे तो कहीं ना कहीं सही भी नजर आ रहा है कि बाइंग अपॉर्चुनिटी तो शायद यहां पर अभी भी है। हाँ ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बाय करते हो नहीं करते हो। और वॉल्यूम भी आप देखोगे जबरदस्त आ रहा है, एक महीने का एवरेज 81 लाख का था और एक वीक का एवरेज 50 लाख का, और यस्टरडे यानी कि कल की बात करें ट्यूसडे में तो 42 और आज फिर से बढ़कर 79 लाख हो गया है। चलो अभी टेक्निकल चार्ट भी यहां पर देखेंगे, क्या देखते हैं एनालिस्ट का कोई व्यू यहां पर आ रहा है। तो एनालिस्ट ने यहां पर अंडर परफॉर्मर बताया इस स्टॉक को, हालांकि ये भी थोड़ा दिनों में यहां पर चेंज होता हुआ नजर आएगा। अब यहां पर टेक्निकल के बेस पर अगर आप इस स्टॉक को देखोगे तो मैंने यहां पर लाइन ड्रॉ कर रखी है, स्टॉक में सीधा सीधा आपको अप ट्रेंड नजर आ रहा है। अगर आप यहां पर डेट भी देखोगे अगस्त के बाद से इस स्टॉक में जबरदस्त तेजी देखने को मिली, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर ऑलमोस्ट 4.5 महीने हो चुके हैं। 4.5 महीने में स्टॉक 161 रुपए से अगर हाई की भी मैं बात करूं तो यह 450 तक गया, मतलब पैसा 3 गुना किया इसने 4.5 महीने के अंदर अंदर, 4 महीने के अंदर, छोटी बात नहीं है कोई ये। और साथ में अगर आप देखेंगे तो ये एक लेवल बना लिया है इसने, जो कि इसका एक रेसिस्टेंस का ही काम कर रहा है, बट ये रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग तो है नहीं। अब यहाँ पर देखो, मैं गारंटी तो नहीं देता हूँ किसी भी चीज़ में, स्टॉक मार्केट में गारंटी नाम की चीज़ होती भी नहीं है, लेकिन चांसेस यही है कि ये स्टॉक जल्द ही थोड़े दिन परेशान करके वापस से ऊपर की तरफ जा सकता है, ऐसा मेरा ओपिनियन है। और मैं नहीं कह रहा हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ वो ही सही होगा, आप बहुत सोच समझ के पैसा लगाना, लंबे समय का व्यू है फिर भी ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर शॉर्ट टर्म या स्विंग ट्रेड की बात कर रहा हूँ। इस स्टॉक में 1000 रुपये तक स्टॉक जाएगा, लेकिन उस 1000 रुपये तक जाने के बीच में स्टॉक काफ़ी बार बीच में परेशान भी करेगा। अगर आप वो सब परेशानी फेस कर सकते हैं तो इस स्टॉक को बिल्कुल बाय कीजिएगा, नहीं फेस कर सकते हैं तो इस स्टॉक से आपको दूर रहना है, मर्जी आपकी है, पैसा आपका है, डिसीजन आपका है। बट मैं आपको एक चीज़ बोलूँ, अगर आपने इस स्टॉक को ऑलरेडी बाय कर रखा है तो आपको होल्ड करके चलना चाहिए, स्टॉक में भी आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। हाँ, अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती है, बीच में कोई नेगेटिव न्यूज़ आए तो देखो टेम्प्रेरी बेस पर उसका इंपैक्ट डेफिनेटली पड़ता ही पड़ता है। तो अब इस स्टॉक में बाय भी किया जा सकता है, होल्ड भी किया जा सकता है, सेल अगर आप तभी कीजिएगा जब आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेते हैं। और स्विंग ट्रेड के लिए आपको चाहिए कि नहीं मुझे तो 5-10 दिन में ही रिटर्न चाहिए, तो 5-10 दिन वाला रिटर्न वाला आप यहाँ पर बाय मत कीजिएगा, कम से कम आपको मीडियम टर्म के लिए यहाँ पर आपको बाय करना पड़ेगा 6 महीने साल भर, अगर आपको थोड़ा ठीक ठाक रिटर्न चाहिए। बाकी 5-10% के रिटर्न में खुश है तो आप 1-1.5 महीने में निकल जाना बाय करके, बट इसमें अच्छा रिटर्न मिलेगा तो उसके हिसाब से आप इसको होल्ड करके चल सकते हैं, बाय भी किया जा सकता है। ठीक है, अब आपके पास स्टॉक है, आप इसको बाय करने का प्लान कर रहे हैं या आप इसके बारे में कोई ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं, न्यूज़ शेयर करना चाहते हैं, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कॉमेंट कीजिएगा, जो भी आप कॉमेंट करेंगे आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिलेगा। और इस तरह की डेली अपडेट के लिए भाई शॉर्ट ट्रेड को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, डेली अपडेट मिलती है, और साथ में ट्रेडर लकी को भी सब्सक्राइब कर देना। ये रहा आप ट्रेडर लकी, डायरेक्ट आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं, स्क्रॉल करेंगे तो ट्रेडर लकी नजर आएगा, यहां पर भी आपको कमाल की वीडियोस देखने को मिलेंगी। इस तरह की डेली अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलते हैं फिर से इसी तरह की एक और जबरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।